चलिए चलते हैं ऑफिस टूर मायामी में, मई 2023। हम लोग जा रहे हैं मायामी वाया न्यूयॉर्क, और इस बारी हम लोग जाएंगे बिजनेस क्लास से। तो यूजली अगर आप बिजनेस क्लास से जाते हैं तो आपको काफ़ी आरामदायक चौड़ी सीटें मिलती हैं इकोनॉमी के कंपैरिजन में, तो आपको थकावट नहीं होती है। अदरवाइज दिल्ली से न्यूयॉर्क की डिस्टेंस जो आपको जो टाइम लगेगा वो लगता है तकरीबन 11-12 घंटे, और फिर उसके आगे आपको 3-4 घंटे मायामी का लगता है। तो ये जो 12-13 घंटे की जो रास्ता है टायरिंग हो सकती है, तो आप बिजनेस से जा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अपनी सीट फैलाइए रिक्लाइनर की तरह और सो जाइए। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग 8:30 बजे पहुँच गए थे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में सुबह पहुँच के हम फ्रेश हुए क्योंकि रात पर फ्लाइट में ही थे, और फिर थोड़ा बहुत फ्रेश होके हमने नाश्ता पानी किया। फिर हम 1 घंटे का हॉल्ट था, उसके बाद हम निकल गए थे अपनी मायामी वाली फ्लाइट पे। उधर का फ्लाइट फ्लाइट अपग्रेड हो गया था फर्स्ट क्लास पे, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी तो फर्स्ट क्लास में इन्होंने अपग्रेड कर दिया था। फिर हम फर्स्ट क्लास से फ्लोरिडा मायामी पहुँचे। मायामी आप देख सकते हैं पूरा बीचेस का एरिया है, इसको सन सिटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपको सेम टेम्परेचर दिखेगा। और मायामी में जो लैंड है वो ज़्यादातर स्वैम्प एरिया इसको बोलते हैं, वो पानी वाला एरिया है। इसमें इन्होंने आर्टिफिशियली मट्टी वट्टी डाल के उसको लेवल अप करके वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं। तो आपको ऐसे ही सेक्टर दिखेंगे जो कि मैन मेड है, और बीच में पीछे की साइड में वो स्वैम्प है, जंगल वाला एरिया। तो अब हम एयरपोर्ट से निकलते हैं और हमारा ऑफिस है वेस्टर्न में, तो उसके लिए कैब लेंगे। ये देखिए वेस्टर्न का रास्ता कितना बेहतरीन है, और हम लोग अब पहुंचते हैं वेस्टर्न। सुबह सुबह का टाइम है, ये हमारा होटल है मैरियट, देख सकते हैं आप। तो इससे हम लोग निकले और हमने कहा चलो थोड़ा वॉक करके आते हैं। यहाँ के आप रास्ते देखिए कितने साफ़ सुथरे हैं, और ये दोनों कंपाउंड के बीच में आपको बाउंड्री वॉल नहीं दिखेगी, इस तरह का घास वास का पार्टीशन दिख जाएगा, कोई दूसरा कैंपस है। तो ये है कोर्टयार्ड मैरिट होटल, सुबह के 6:30 बजा है। हाँ सुबह जल्दी नींद खुल गई तो हमने कहा चलो मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ। सुबह का तापमान ठंडा है, दिन में थोड़ी सी धूप हो जाएगी क्योंकि फ्लोरिडा मायामी साइड में इसको सनशाइन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ये। तो थ्रू आउट टेम्परेचर लगभग ईयर थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, बट दिन के टाइम पे आपका बढ़ जाएगा। ह्यूमिड लेवल थोड़ा ज़्यादा है, बहुत नहीं बढ़ हो सकता, बीच बीच साइड में जाए तो थोड़ा सा ह्यूमिड लेवल ज़्यादा मिले। अभी देखते हैं वॉक करने के बाद में आज का क्या प्लान है। तो मैं अभी बीच बीच साइड में जाके घूम के आएंगे, आसपास थोड़ा चेक करना है कि खाने पीने का क्या व्यवस्था है, क्योंकि ये थोड़ा ऑफिस जोन टाइप का एरिया लग रहा है, रेजिडेंशियल कम लग रहा है। तो यहाँ पे खाने पीने का हो सकता है, एक उधर पीछे दिखाता है एक कैंपस जहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह थे, वहाँ जाके देखना पड़ेगा। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज हम लोग जा रहे हैं, एक पास का एक मॉल है स्वागरस मॉल, क्योंकि हम लोग के पास संडे का टाइम था तो हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ पे घूम के आते हैं। तो वहाँ पे कई सारे आउटलेट्स हैं जिनमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। ये देखिए क्या बेहतरीन कार मैंने परचेज करी यहाँ पे, और कुछ खाना खाएंगे इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। थोड़ा नॉन वेज का ज़्यादा पॉपुलर है, तो वेज में आपको थोड़ा केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा। होटल के बाहर आपको ऐसी लंबी लंबी गाड़ियाँ दिख जाएंगी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे सुबह सुबह के दिन, ये अगले दिन सुबह का, हम लोग सुबह उठे थोड़ा मॉर्निंग वॉक करेंगे। आज का प्लान है कि हम लोग जाएंगे मायामी के पास, एक हॉलीवुड बीच है
और उस के रास्ते की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फिर हम एक जगह पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ये देखिए थोड़ा वेज का दिक्कत रहता है तो आपको केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा। और कुछ फिर पानी की बोतलें और जूस लेना है तो देखिए कितना प्यारा डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ से आप जूस लीजिए, पानी की बोतलें लीजिए और बोतल वोतल ले के फिर हम लोग निकल पे पड़े हैं हॉलीवुड बीच की तरफ। ये रास्ते की कुछ तस्वीरें हैं, बहुत ही प्यारा रास्ता है, बारिश भी हो रही थी तो बहुत ही सुहावना वातावरण था। तो आपको लेके चलते हैं, आज घुमाएंगे हॉलीवुड बीच। और ये फिर थोड़ी देर में ये उसके पास का एरिया है, तो हम लोग पहुंच गए हैं। और ये है हॉलीवुड बीच का एंट्रेंस। यहाँ का पानी देखिए कितना नीला नीला पानी है, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। बीच एकदम साफ सुथरा है, हालांकि थोड़ा थोड़ा किनारे पे इसकी एक जो घास टाइप की होती है, वो जब ये पानी वेव्स का पीछे आता है ना तो साइड के किनारे किनारे आपको थोड़ी घास जमी मिल जाएगी। और ये देखिए पंछियों का झत्ता उसी घास के ऊपर अपना खाना वाना निकाल लें। और ये बीच के किनारे किनारे का रोड है जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, साइकिल ले लीजिए आप, एकदम यहाँ पे साइकिलिंग करिए। और अब हम लोग आ गए हैं ये मायामी बे साइड, ये डाउनटाउन वाला एरिया है। यहाँ पे मायामी का मेन मार्केट है ये बे साइड मार्केट, इसके अंदर चलते हैं देखते हैं क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सी मार्केट है, स्ट्रीट शॉप टाइप की है। ये पीछे हार्ड रॉक कैफे है, यहाँ पे आप जाके खाना वाना खा सकते हैं। ये एक ईगल आई फ्लाई व्हील है, इसमें भी आप बैठ के पूरे शहर का नज़ारा ले सकते हैं। हम लोग गए नहीं थे, अदरवाइज बहुत ही बढ़िया घूमने की जगह है। आप ये घूमिए, फोटो खिंचाइए, खाना पीना खाइए और मज़े लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मायामी एक टूरिस्ट प्लेस है, तो आपको यहाँ पे दुनिया जहान के अलग अलग टूरिस्ट आके दिख जाएंगे जो थोड़े समय के लिए आते हैं अपना, जिस हिसाब से आपका बजट है उस हिसाब से आप यहाँ पे एकोमोडेशन ले सकते हैं। और आप चाहें तो ये जो बोट्स दिख रही हैं इनको भी आप हायर कर सकते हैं। हम लोगों ने आज नहीं, एक दूसरे दिन आएंगे तो हम सनसेट क्रूज़ हमने करा था, जिसमें हम 10-12 माइल्स या उससे भी ज़्यादा सी के अंदर गए थे, सनसेट देखा था, वहाँ से वापस आए थे। तो वो उसका वीडियो आपको आगे दिखाते हैं। ये है मार्केट का, तो बहुत ही प्यारी प्यारी आपको बोट्स दिख जाएंगी यहाँ पे। ये देखिए ये प्राइवेट बोट्स हैं, जितने भी मिलेनियर बिलेनियर टाइप के लोग हैं तो ये उनकी प्राइवेट बोट्स हैं। पीछे आप देखिए कितनी गगनचुंबी इमारतें आपको दिख रही होंगी। तो आज के दिन हम लोग यहाँ पे घूमे फिरे और अब ये शाम हो गई है, शाम के टाइम अब हमने सोचा एक गाड़ी ले लेते हैं, तो ये गाड़ी ली। अब इस गाड़ी के साथ हम लोग जाएंगे वापस अपने होटल। ये रास्ते में कुछ खाना पीना के लिए आप रुके थे? हाँ, यहाँ पे हम लोग कुछ खाना पीना खा लेते हैं। शायद हम लोगों ने खाया था इटालियन डिश, कोई चिलीज करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोग गए खाए पिए, मार्केट घूमे। ये देखिए कितनी प्यारी मार्केट है, ये डाउनटाउन का सीनरी है। रात में मस्त लाइटें जलती हैं तो एकदम डिफरेंट ही व्यू मिलता है, जैसा कि सुबह आपको एक नेचर का व्यू मिल रहा था, रात में आप चकाचौंध इमारतें लाइटें मिलेंगी तो इससे डिफरेंट व्यू। तो ये सब हम लोगों ने देखा और अब यहाँ से टेम्पल
टैक्सी करके हम लोग घर के लिए निकलेंगे। ये देखिए, वाह वाह वाह, इतनी मज़ेदार इमारतें दिख रही हैं। ये आर्या के लिए कैब ली थी वहीं से, और ये कुछ कलेक्टेबल आइटम्स थे ये लिए, और इसके साथ वापस आ गए। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होके ये हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। ये हमारा होटल से ऑफिस के बीच का रास्ता पास में ही था, ताकि हम लोगों को डेली के लिए ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। ये पीछे दिख रहा है यूकेजी का ऑफिस, ये ऑफिस के बाहर का शाम की तस्वीरें। चल भाई। यहाँ के रास्तों के घर देखिए आप, कितने प्यारे घर हैं। एक सोसाइटीज बनाई हैं, उनके बीच में आपको रिवर बॉडीज या वाटर बॉडीज मिल जाएंगे, जिसमें लोगों ने अपने कारें पार्क करके रखी हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने डायरेक्टर के घर। ये है मायामी का बीच साइड एरिया, जहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब रहते हैं। ये देखो, इनके घर से निकल के बीच पे जा रहे हैं वॉक करके। That's a rum bar. It's actually pretty good. But I've only been in there. I might have been pretty clean, but I'm telling you again, I didn't drive with me. This is a sports bar. डेल करके एक जगह है जहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब रहते हैं, तो उनके अपार्टमेंट के सामने बीच है। इतनी प्यारी प्यारी बोट्स खड़ी हुई हैं, तो आज ये हम लोगों को डिनर पे लेके जाएंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, उनके होटल से निकल के ऐसे ही साइड में एक बैक वाटर कैनाल है, जहाँ पे ये बोट्स खड़ी हैं। इसके साइड साइड से वॉक करते हुए हम लोग जाएंगे। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का बहुत ही शानदार रास्ता है, और इसको ट्रैवल करके हम लोग जाएंगे वहाँ पे। एक मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे खाना खाएंगे। हम लोग फाइनली पहुँच गए। ये देखिए, इटालियन रेस्टोरेंट था, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, तो हम लोग यहाँ से पिज़्ज़ा विज़्ज़ा आज खाएंगे। खा लिए, वापस हम लोग होटल के लिए टैक्सी लेके निकल जाएंगे, तो वापस चलते हैं। हमें सैटरडे वाला जो वीकेंड मिला था, उसमें सैटरडे के दिन सुबह सुबह हम लोग एवरग्लेड चले गए थे। एवरग्लेड एक नेचर पार्क है क्रोकोडाइल प्रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पे जो इनका स्वैम्प वाला एरिया है फ्लोरिडा के पीछे, दलदली एरिया, वहाँ पे क्रोकोडाइल बहुत मिलते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक पार्क बना रखा है, जिसमें आप आइए, देखिए, आप एलिगेटर से मिलिए। ओके, हम लोग जा रहे हैं अब एवरग्लेड वाटर पार्क में।
for it is your first ski trip. A lot of fun. Get in on the gas, great. Knowing when to come off the gas, very important. You don't want to arbitrarily, that's a big one. कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। ये बहुत ही लंबा, बहुत ही विशाल एरिया है जहाँ पे पानी पानी भरा हुआ है। ज़्यादातर ये दलदली इलाका है तो इसमें आप अकेले नहीं आ सकते। ये इसमें आपको जो इनके पार्क वाले जो हैं उन्हीं की जो बोट हैं उसी से आना पड़ेगा। और ये अलग अलग ये अंदर रास्ते टाइप के आपको लेके जाएंगे जहाँ पे आपको कहीं पे एलिगेटर दिख जाएंगे, कहीं कहीं पे ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी दिख जाएंगे। तो इसमें आइए और नेचर का आनंद लीजिए। धूप थोड़ी यहाँ पे तेज है तो आपको सनग्लास वगैरह और अपने पास रखना पड़ेगा। ये देखिए कितने पुराने पेड़ हैं ये, वाह। और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, इन्होंने पार्क बना रखा है जहाँ पे एलिगेटर शो होता है। तो ये एक बंदा है बहुत फेमस है, ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन करामात दिखाएगा। अपना मुंह एलिगेटर के मुंह के अंदर भी डाल देता है, अभी आपको ये वीडियो में दिखाएगा। आज संडे की मॉर्निंग है तो आज हम लोग जाएंगे सनसेट क्रूज़ देखने, तो वहीं के लिए चलते हैं। और पहले आप लीजिए रास्ते का मज़ा, फिर वहां पे अड्डे पे पहुंच के आपको वहां का विवरण देंगे। Mexican, you have to be aware of. Yeah. It's not that you can't do stuff, it's like you realize that it's not the same standards. Yeah, I was impressed. The guys also think if they're in where we were in Cozumel, it's in a very, very high tourist attraction. So, ye hai Lauderdale Beach area. यहाँ पे हम लोग सोचे थे मायामी में जाएंगे क्रूज़ करने के लिए, लेकिन समाओ में वहाँ का बुकिंग मिला नहीं। तो लॉडरडेल का भी बीच बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं पिक्चर में कितना सीनिक है, कितना साफ़ सुथरा। तो वाइट सैंड है यहाँ की खासियत ही है। तो यहाँ पे हम लोग आए, पहले नाश्ता पानी करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सनसेट क्रूज़ करेंगे। तो ये हम लोग घूम रहे थे तो ये उसी के सामने रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग बैठे कुछ खाना पीना खा रहे थे। तब तक हमने सोचा थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लेते हैं। और फिर हमने ये ऑर्डर करा, मैंने बर्गर ऑर्डर करा था। बर्गर के साथ ड्रिंक विंक पीजिए आप ना, उसके बाद थोड़ा पेट में जब चला जाए तो कुछ फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं। और फिर यहाँ से हम लोग
पास में ही है जहाँ से वो डॉक स्टेशन है, यहाँ पे बोट में आपको चढ़ना है। तो ये हम लोग अब पहुँच गए, तो अब चलते हैं और बोट में बैठेंगे। बोट वाला अपना इंस्ट्रक्शन वगैरह सुनाएगा कि कैसे कैसे लेके जाएगा, और फिर हम लोग बोट में चलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है। ये जो आपको देख रहे हैं, ये टर्टल एरिया, यहाँ पे टर्टल के बच्चे देते हैं, तो इसमें ये चारों तरफ बना देते हैं घेरा ताकि उसके ऊपर कोई जाए ना। अब हम लोग ये इसी बोट पे ऑन बोर्ड करने वाले हैं, और देखिए इस डॉक स्टेशन, ये यहाँ पे लाइन से एक के बाद एक बोटे हैं, तो इसमें बैठते हैं। Guys, before we get off the dock here, I have a quick safety speech I'm required to go over. So if I could get everyone's undivided attention, I want all of your attention on me. I'm like jealous. Get afloat, pay for the docking fees, the diesel fuel, all of that. 70 feet. तो ये था हमारा सनसेट क्रूज का एक्सपीरियंस, जो कि एकदम बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। आज तक पहले कभी इस तरह के क्रूज में हम लोग बैठे नहीं थे। इट वाज इट्स ओन एक्सपीरियंस। और ये आप जो दोनों समुद्र के किनारे है उसके दोनों तरफ देख सकते, मतलब ये बैक वाटर है जो कुछ कुछ अंदर तक आता है, तो उसके दोनों तरफ आपको बहुत ही बेहतरीन विला दिख जाएंगे जो कि यहाँ के मिलियनेयर बिलियनेयर ने खरीद रखे हैं। और विला के बाहर जैसे आप लोग अपनी कार पार्क करते हैं, इन्होंने अपना बोट पार्क करके रखा हुआ है। और ये उसी क्रूज जिससे हम लोग गए थे समुन्दर में, जो उसकी तस्वीरें हैं, ये देखिए ब्लैक पायरेट का झंडा लहरा रहा है। और ये देखिए, वाह, ये सनसेट का व्यू है, ये उसी नॉटिका वाले पोजेज हैं। इसके साथ हमारे साथ में एक फ्रेंड थे, अतुल है, हमारी टीम में टीम थी, तो सारे बंदे हम लोग गए थे, तो सबने मस्ती करी, बहुत ही बढ़िया इवनिंग थी। तो मस्ती वस्ती करने के बाद ये देखिए कितना जायंट, ये दिस इज कार्गो शिप। तो कार्गो शिप से सामान वामान जाता है ये, उसका भी जो डॉक स्टेशन या जो वो पोर्ट है वो इसी के पास में था। ये कैप्टन क्रुक वाली तस्वीर, ये सनसेट
सनसेट हो गया है, अब हम लोग वापस जाएंगे। रास्ते में सनसेट होने पे ये लोग कुछ अपना कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, आप पीजिए, मज़े लीजिए और अपनी यादगार इवनिंग को यहाँ पे ख़त्म करिए। और अब हम लोग फोटो खींचते हुए वापस आ रहे हैं, ये वापसी का रास्ता है। देखो सनसेट हो गया है, अंधेरा होने वाला है, और अंधेरे के साथ में कितनी बेहतरीन पिक्चर है। वाह वाह वाह, कितना लाजवाब जगह है ना ये देखिए। और फिर वहाँ से सनसेट होने, जब आप जहाँ से आपको बोट ने पिकअप किया था वहीं ड्रॉप करेगी, उसके बाद हम लोग ये वॉक करते हुए पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में मिलेगा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग खाना पीना खाएंगे, और ये वो एच राफ रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएंगे क्योंकि अब लेट हो गए। और खाना खाने के बाद सीधे कार से हम लोग होटल। और ये है आज हमारे सुबह हो लास्ट गई डे है यहाँ पे से। सुबह का नज़ारा। आज हम निकलना लोग है, पैकअप पैकअप करके हम ही लोग हमारे पैकिंग होटल वैकिंग में कर लिए पहुंच गए है हैं। आप देख सकते हैं इसमें और भी है, थोड़ी देर में हालांकि हम लोग होटल नहा में धो मिला नहीं, के यहाँ से बट निकलेंगे। ये है ओवरऑल हमारे होटल में, ये है होटल के पार्किंग बाहर के का नज़ारा, सामने का एरिया। हम लोग यहाँ पर बैक पैक साइड करते हैं, पार्किंग। गाड़ी पार्क है, यहाँ से हम लोग निकल लिए। अब ये एयरपोर्ट पहुँच गए हैं मायामी के, और अब मायामी एयरपोर्ट से हम लोग वापस फ्लाइट में बैठ के न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से दिल्ली। और ये फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट स्टार्ट कर दिया। अब देखिए कैसे 1, 3, 4, और ये इसने ज़मीन से टेक ऑफ किया। ये हम लोग उड़ गए ऊपर, ऊपर उड़ते उड़ते ये पूरा मायामी शहर का देखिए। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा था, प्लेन खड़े हुए। और ये मायामी का पूरा सिटी है, अपोजिट साइड में बीच है जिसमें उन्होंने आते वक्त फोटो देखी थी, और ये सिटी साइड वाला व्यू है। तो पूरा आपको सिटी के नज़ारे दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर, अभी फ्लाइट का आनंद लेते हैं। फिर ये 3 घंटे की फ्लाइट है, इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे न्यूयॉर्क। ये फिर हमारी न्यूयॉर्क के बाद फिर हम फ्लाइट लेके पहुंचेंगे दिल्ली। और ये हमारी एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें हैं वापसी आते वक्त, ये आप देखिए। ये था, ये वाला हमारा था मायामी वाला एयरपोर्ट, और ये हाँ ये भी शायद मायामी का ही एयरपोर्ट है। यहाँ पे कुछ शायद हाँ राइट, दिस मायामी एयरपोर्ट।
We're happy to have you on board this evening. If you've got 2 pieces of luggage on, we ask that you put your larger one in the overhead bin and the smaller one finally, underneath. Finally, yep, sara saman rakh gaya hai. Everybody is on their seat. Sara saman rakh gaya. Dekhiye, dekhiye, ye seating arrangement ho gaya hai. Aur jab tak set ho jayenge, to fir hamari flight ab take off ke liye start hoti hai raat mein. हम लोग अब न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं. आशा करते हैं आपकी अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और इसी सुनहरी यादों के साथ हम अपना कार्यक्रम जो है अंत पे लाते हैं. और ये इतना बढ़िया न्यूयॉर्क सिटी का दृश्य, फ्लाइट हमारी अब टेक ऑफ करने ही वाली है. तो ये याद आ रही थी पीछे की कुछ तस्वीरें. अब लगी है भूख तो आएगा खाना. ये आया खाना. हिंदू मील ऑर्डर कर सकते हैं आप, पहले से ही सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको कोई खाने पीने की लचड़ा ना हो. और तो आप फ्लाइट में आपको खाना मिल जाएगा ठीक ठाक. फिर ये न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है. तो वहाँ पर फिर हम लोग इसी तरीके से टाइम पास करते करते अब ये जर्नी आ रही है एंड को. और इट वाज अ वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग टू मायामी. ये देखिए हमारा मैप है, जाना है हमें डेस्टिनेशन दिल्ली. चलो फिर मिलते हैं दिल्ली में. वेट करते हैं अभी तक की यात्रा सुखद रही, आपको पसंद आया होगा. धन्यवाद. From all of